बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला जो तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया का स्तूप है, जहां सोमेश्वर महादेव मंदिर अरेराज में भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां मोती झील अवस्थित है जिससे मोती का उत्पादन होता था, जिसके कारण मोतिहारी शहर का नाम मोतिहारी पड़ा, जहाँ एक प्रसिद्ध रैयत के स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी आए और नील आंदोलन तथा तीनकठिया प्रथा से त्रस्त किसानों को मुक्त किया, वह जिला कोई और नहीं पूर्वी चंपारण जिला था। 3 नवंबर 1972 के पहले पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों एक था। नमस्कार, मैं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण जिला पूर्वी चंपारण जिले के बारे में, जिसके बिना बिहार की कल्पना करना अधूरा प्रतीत होता है। तो आइए जानते हैं बिहार के प्रसिद्ध जिला पूर्वी चंपारण जिला के बारे में। पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय मोतिहारी है। महाकाव्य काल से लेकर आज तक चंपारण का इतिहास गौरवपूर्ण एवं महत्वपूर्ण रहा है। पुराण में वर्णित है कि यहाँ के राजा उतानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव ने यहाँ तपोवन नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। एक ओर चंपारण की भूमि देवी सीता की शरण स्थली होने से पवित्र है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक भारत में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का अमूल्य पन्ना है। राजा जनक के समय यह मिथिला प्रदेश का अंग था। लोगों का ऐसा विश्वास है कि जानकीगढ़, जिसे चानकीगढ़ भी कहा जाता है, जो राजा जनक के मिथिला प्रदेश की राजधानी थी, भगवान बुद्ध ने यहाँ अपना उपदेश दिया था, जिसकी याद में 3री सदी ईसा पूर्व में प्रियदर्शी अशोक ने स्तंभ लगवाए और स्तूप का निर्माण कराया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय चंपारण के ही एक रैयत एवं स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी आए और नील की फसल के लागू तीनकठिया खेती के विरोध में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। आज़ादी की लड़ाई में यह नए चरण की शुरुआत थी। बाद में भी बापू कई बार यहाँ आए। अंग्रेजों ने चंपारण को सन 1866 में ही स्वतंत्र इकाई बनाया था, लेकिन 3 नवंबर 1972 को इसका विभाजन कर प्रशासनिक सुविधा के लिए पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण बना दिया गया। पूर्वी चंपारण की प्रमुख नदियाँ गंडक, बागमती, सिकरहना, ललबकिया, तिलावे, कंचना, मोतिया, तीउर और धनौती। पूर्वी चंपारण की भौगोलिक स्थिति। पूर्वी चंपारण का क्षेत्रफल 3,969 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी चंपारण का घनत्व 991 प्रति किलोमीटर। पूर्वी चंपारण की जनसंख्या 50,52,665 व्यक्ति। लिंगानुपात 1,000 पुरुष पर 902 महिलाएं। साक्षरता दर 55.79%। पूर्वी चंपारण की चौहद्दी, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में मुजफ्फरपुर, पूर्व में सीवर तथा सीतामढ़ी तथा पश्चिम में पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण का प्रशासनिक विभाग। पूर्वी चंपारण में कुल 6 अनुमंडल हैं, मोतिहारी सदर, अरेराज, चकियां, रक्सौल, सिकरहना तथा पकड़ी दयाल। पूर्वी चंपारण में 27 प्रखंड हैं, ढाका, अरेराज, आदापुर, कल्याणपुर, केसरिया, कोटवा, घोड़ासहन, चकाई, चिरैया, पताही, पहाड़पुर, पिपरा कोठी, फेनहारा, बनकटवा, बंजरिया, मधुबन, मेहसी, मोतिहारी, रक्सौल, रामगढ़वा, संग्रामपुर, सुगौली तथा हरसिद्धि। पूर्वी चंपारण में थानों की संख्या 41 है। पूर्वी चंपारण में गांवों की कुल संख्या 1,345 है तथा पंचायतों की कुल संख्या 409 है। पूर्वी चंपारण की सभ्यता एवं संस्कृति। पूर्वी चंपारण भोजपुरी भाषी जिला है। यहाँ शादी विवाह जैसे शुभ अवसरों पर भोजपुरी में गीत संगीत होता है, लेकिन यहाँ के लोग शिक्षा तथा शैक्षणिक कार्य के लिए हिंदी तथा उर्दू का प्रयोग करते हैं। पूर्वी चंपारण 80 किस्म के चावल और गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। परिचितों का स्वागत भी गुड़ और पानी से किया जाता है। यहाँ के लोग छठ पूजा को बड़े श्रद्धा से मनाते हैं। इसके अतिरिक्त होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, सतुवानी, चकचंदा आदि हिंदुओं के प्रमुख पर्व हैं। मुसलमान लोग ईद, बकरीद, मुहर्रम आदि बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पूर्वी चंपारण के प्रमुख पर्यटन स्थल। नंबर 1, केसरिया का बौद्ध स्तूप। जिला मुख्यालय मोतिहारी से 35 किलोमीटर दूर साहेबगंज चकिया मार्ग पर लाल छपरा चौक के पास केसरिया स्तूप अवस्थित है। यहाँ एक बृहद बौद्धकालीन स्तूप है
1998 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन के उपरांत इस जगह का पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया है। पुरातत्व वेताओं के अनुसार यह बौद्ध स्तूप दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप है। यह स्थान राजधानी पटना से 120 किलोमीटर तथा वैशाली से 30 किलोमीटर दूर है। भारतीय पुरातत्व वेताओं के अनुसार जावा का बोराबुदुर स्तूप वर्तमान में 103 फीट ऊंचा है। वही केसरिया स्थित इस स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है। विश्व धरोहर में शामिल सांची का स्तूप की ऊंचाई 77.50 फीट है। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए बिहार सरकार केंद्र की मदद से इसे एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। नंबर 2, गांधी स्मारक मोतिहारी। चंपारण किसान का प्रतीक गांधी मेमोरियल स्तंभ का शिलान्यास 10 जून 1972 को तत्कालीन राज्यपाल डीके बरूच द्वारा किया गया था। 18 अप्रैल 1978 को वरिष्ठ गांधीवादी विद्याकर कवि ने इस स्तंभ को राष्ट्र को समर्पित किया। इस स्तंभ का निर्माण महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की याद में शांति निकेतन के मशहूर कलाकार नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। चुनार पत्थर से निर्मित इस स्तंभ की लंबाई 48 फीट है। स्मारक का निर्माण ठीक उसी जगह पर किया गया है जहां गांधी जी 18 अप्रैल 1917 में धारा 144 का उल्लंघन करने के जुर्म में अनुमंडलाधिकारी की अदालत में पेश किए गए थे। नंबर 3, लौरिया नंदनगढ़। आर्य राज अनुमंडल के लौरिया गांव में स्थित अशोक स्तंभ की ऊंचाई 36.5 फीट है। इस स्तंभ का निर्माण 249 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। इस पर प्रियदर्शी अशोक लिखा हुआ है। इसकी आधार का व्यास 41.8 इंच तथा शिखर का व्यास 37.6 इंच है। इस स्तंभ को स्तंभ धर्मालेख के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तंभ पर लिखा हुआ आदेश 18 लाइनों में है। नंबर 4, जॉर्ज आरवेल स्मारक। अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक जॉर्ज आरवेल का जन्म 25 जून 1903 को मोतिहारी में हुआ था। उस समय उनके पिता रिचर्ड बेलमेजली ब्लेयर चंपारण के अफीम विभाग में सिविल अधिकारी थे। जन्म के कुछ दिनों के बाद आरवेल अपनी माँ और बहन के साथ इंग्लैंड चले गए जहाँ उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही लेखन आरंभ किया। उनकी लिखी एनिमल फार्म, बर्मेस डेज, ए हैंगिंग जैसे कुछ पुस्तकें अंग्रेजी साहित्य की महान कृति हैं। वर्ष 2004 में रोटरी क्लब मोतिहारी तथा जिला प्रशासन के प्रयास से जन्म स्थल की दशा सुधार कर वहाँ एक फलक लगाया गया जिस पर उनका संक्षिप्त जीवन चरित्र लिखा है। नंबर 5, विश्व कबीर शांति स्तंभ बेलवातिया। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर पर पिपराकोठी प्रखंड के बेलवातिया गांव में पूरे भारत का 8वां एवं बिहार का अब तक एकलौता विश्व कबीर शांति स्तंभ स्थापित है। इस स्तंभ का निर्माण तत्कालीन महंत स्वर्गीय राम स्नेही दास ने 2002 में किया जबकि यह आश्रम 1875 ईस्वी में तत्कालीन महंत स्वर्गीय केशव साहब ने स्थापित किया। इस स्तंभ के अलावे अन्य सभी स्तंभ मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाए गए हैं। इस आश्रम पर प्रति वर्ष अनंत चतुर्दशी को त्रिदिवसीय संत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें देश विदेश के संत महात्मा भक्त का समागम होता है। यह आश्रम धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक साधन का केंद्र रहा है। वर्तमान महंत डॉक्टर त्रिपुरारी दास के नेतृत्व में इस आश्रम का संचालन किया जा रहा है। नंबर 6, सोमेश्वर महादेव मंदिर अरेराज। मोतिहारी से 28 किलोमीटर दूर स्थित अरेराज के सोमेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना राजा सोम ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम सोमेश्वरनाथ पड़ा। यहाँ बिहारी ही नहीं उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के बहुत से श्रद्धालु भी पूजा अर्चना करने आते हैं। सोमेश्वर मंदिर में श्रावण माह के अलावा अन्य महीनों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। यहाँ वर्ष में लाख से अधिक कांवरिया जलाभिषेक करते हैं। भगवान सोमेश्वरनाथ के शिवलिंग पंचमुखी है। इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए गर्भगृह में सीढ़ी से नीचे उतरकर जाना पड़ता है। नंबर 7, सीताकुंड। मोतिहारी से 16 किलोमीटर दूर पिपरा रेलवे स्टेशन के पास यह एक पुराने किले के परिसर में सीताकुंड स्थित है। ऐसा माना जाता है कि
भगवान राम की पत्नी सीता ने त्रेता युग में इस कुंड में स्नान किया था। इसके किनारे भगवान सूर्य, देवी दुर्गा, हनुमान सहित कई अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। रामनवमी के दिन यहाँ एक विशाल मेला लगता है। हजारों की संख्या में इस दिन लोग भगवान राम और देवी सीता की पूजा अर्चना करने आते हैं। नंबर 8, रामगढ़वा उच्च विद्यालय। तारकेश्वर नाथ तिवारी द्वारा बनवाया गया हाई स्कूल पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में है। इस स्कूल ने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का सूत्रपात किया। कई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। यहाँ के छात्र आज भी यहाँ आते हैं और तारकेश्वर नाथ तिवारी को याद करते हैं। पूर्वी चंपारण के महत्वपूर्ण व्यक्ति, नंबर 1 राजकुमार शुक्ल, नंबर 2 जॉर्ज आरवेल, नंबर 3 रमेश चंद्र झा। पूर्वी चंपारण के कृषि एवं उद्योग, पूर्वी चंपारण के प्रमुख फसलें चावल, दलहन, गन्ना तथा जूट है। उद्योग चीनी मिलें मोतिहारी, चकिया तथा सुगौली इत्यादि। मेहसी का बटन उद्योग, मोतिहारी शहर से 48 किलोमीटर पूर्व में यह स्थित मेहसी शिल्प बटन उद्योग के लिए पूरे भारत में ही नहीं वरन विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। इस उद्योग की शुरुआत करने का श्रेय यहाँ के निवासी भुवन लाल को जाता है। समय के साथ बटन निर्माण की प्रक्रिया ने एक उद्योग का रूप अपना लिया और उस समय लगभग 160 बटन फैक्ट्री मेहसी प्रखंड के 13 पंचायतों में चल रहा था, लेकिन वर्तमान में यह उद्योग सरकार से सहयोग नहीं मिलने के कारण बेहतर स्थिति में नहीं है। यातायात व्यवस्था, सड़क मार्ग। पूर्वी चंपारण जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 तथा 28A तथा 98 लंबा राजकीय राजमार्ग संख्या 54 जिले की महत्वपूर्ण सड़कें हैं। जिला मुख्यालय मोतिहारी से पटना की दूरी 150 किलोमीटर है, जहां से बस से पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। मोतिहारी बिहार के अन्य शहरों से सड़क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। उत्तर बिहार तथा दूसरा प्रमुख शहर मोतिहारी की दूरी 80 किलोमीटर है। मोतिहारी से विभिन्न शहरों के लिए बसें आसानी से मिल जाती हैं। रेल मार्ग, मोतिहारी भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में पड़ता है। पूर्वी चंपारण से गुजरने वाली मुख्य रेल मार्ग गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड का हिस्सा है। सीतामढ़ी से नरकटियागंज को जान जोड़ने वाली एक अन्य रेल मार्ग है। पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण बुद्ध रेल परिपथ को बढ़ावा देने हेतु हाजीपुर वैशाली होते हुए एक अन्य रेल मार्ग का काम प्रस्तावित है, जिसका काम चल रहा है। यहाँ से राजधानी पटना के लिए कोई सीधी ट्रेन सेवा नहीं है, परंतु देश के अन्य भागों के लिए यहाँ से नियमित ट्रेन उपलब्ध है। हवाई मार्ग, जिला मुख्यालय मोतिहारी से निकटतम हवाई अड्डा 150 किलोमीटर दूर पटना में है। मोतिहारी से 70 किलोमीटर तथा सीमा से सटे रक्सौल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर सेमरवासा में नेपाल का विमान पतन है, जहां से काठमांडू आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो पूर्वी चंपारण पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पूर्वी चंपारण के निवासी हैं या पूर्वी चंपारण को लाइक करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।